भाई साहब, जरा वेदर को देखो, क्या हो रखा है मौसम को। अब लग रहा है कि पक्का मानसून चालू हो चुका है। पहले कल परसों लगा कि हमको साइक्लोन यस की वजह से हो रहा है, पर ना अभी बारिश होना है भाई, अभी बारिश होने ही वाला है। अभी पूरा चलता रहेगा बारिश, पूरा चलता रहेगा। एक मुद्दे पे बात कर लेते हैं पहले। तो कल रात में जब अपनी बंदी के साथ बात कर रहा था तो हमको बोलती है वो, देखो तुम्हारे हिंदी ठीक ठाक है, इट्स क्वाइट गुड, पर तुम बीच बीच में जो एक्सेंट ले आते हो ना, कि काहे कर रहे हो तुम ऐसा मत करो, बहुत फनी लगता है। इसका क्रेडिट मैं दूंगा डॉक्टर आदित्य आनंद को। डॉक्टर आदित्य आनंद, हाँ मेरे भाई, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेंट ऑफ माइन। तो कल, मतलब जब आप ये वीडियो देखोगे उसके दो दिन पहले, इंस्टाग्राम में एक स्टोरी और पोस्ट दोनों किया था मैंने, कि जो दार्जिलिंग का बंदी का केस हुआ था उसमें मैंने क्यों नहीं बोला, मैं अश्विता हम क्यों नहीं बोले कुछ, हम शेयर भी नहीं किए वो वीडियो को। द रीज़न वॉज कि वो IGTV वीडियो में उस लड़की का डिटेल्स, नाम, फोटोग्राफ, सब कुछ, एड्रेस, सब कुछ दे रखा था। एंड अभी पता चल रहा है हमको कि एवरीथिंग वॉज द गर्ल्स कंसेंट, बट स्टिल माई कॉन्शियंस डिडंट लेट मी फ्रॉम शेयरिंग दैट। क्योंकि उस टाइम जितना हरासमेंट वो लड़की को मिल रहा था, वो वीडियो वायरल होने के बाद में वो जाहिर सा बात है कि उससे कहीं ज़्यादा हरासमेंट उस लड़की को मिलने वाला है। एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई आई डिडंट पोस्ट इट। एंड बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम कैसे बंदे हो, तुम ऐसा पोस्ट भी नहीं कर रहे हो, सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, तुमको पोस्ट करना चाहिए। तो वही क्लैरिटी देने के लिए मैंने वहाँ पे पोस्ट डाला था कि द रीज़न वाई एम नॉट पोस्टिंग इज, उसका पूरा डिटेल्स दे रखा था वहाँ पे, और आई डोंट वॉन्ट हर टू बिकम अ विक्टिम ऑफ मोर हरासमेंट देन शी ऑलरेडी इज। आई डोंट थिंक कि मैंने वो जो पोस्ट लिखा है वहाँ पे उस लड़की का नाम मेंशन किया हुआ है, या जो बंदे ने IGTV वीडियो पोस्ट किया उसका नाम लिया हुआ है, किसी को ऑफेंड करने वाला पोस्ट नहीं था मेरा। सीधा बात बता दे, I didn't offend anyone from that post, but people got offended because उनका सोचने का तरीका और मेरा सोचने का तरीका they were exactly opposite. One might be thinking differently than you, but that doesn't mean कि वो someone is totally wrong as well. वो लोग share किए, ठीक है मुझे वो गलत लगा, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि they are 100% wrong. वो लोग जो किए तो they had their own reasons, they felt bad, they felt traumatic, so at that particular moment, वो बोलते हैं ना कि वही मोमेंट में वो लोग सोच नहीं पाए कि उसका क्या बोलते हैं लास्ट में जाके कंक्लूजन्स कितना बड़ा बन जाएगा बोल के, वो लोग नहीं सोच पाए उस टाइम। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि दे आर वेरी रॉन्ग, दे आर स्टूपिड पीपल टू शेयर दोज थिंग्स, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि दैट न्यूज इटसेल्फ वॉज अ वेरी बिग थिंग दैट वॉज एबल टू हॉन्ट लाइव्स ऑफ मेनी पीपल हु एक्चुअली वॉच दैट वीडियो। तो उनको ब्लेम भी नहीं करूंगा मैं कि वो लोग गलत है बोल के, पर वही है कि मेरा एक्सप्लेनेशन था वो, और यू कैन जस्ट कम ओवर टू माय इंस्टाग्राम एंड जस्ट डीएम मी टू डिलीट माय पोस्ट, बिकॉज व्हाट आई सेड डजंट मैच व्हाट यू सेड। तो वही है बात, आज ज्यादा वो नहीं करेंगे, आज ज्यादा ये सीरियस वाला टॉपिक में नहीं जाएंगे, ठीक है। आज सीधा सीधा अपन लोग का लाइफस्टाइल व्लॉग करेंगे आज, क्योंकि भाई साहब देखो ना ये पेड़, देखो ना भाई इतना प्यारा लगता है ना ये पेड़, देखो ना अलग 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 सब फ्लावर्स रहता है इसमें, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल मैन। पर दिन तो क्या बोले भाई साहब, दिन के बारे में क्या ही बोले, इट्स जस्ट बीन रेनिंग, नथिंग एल्स ब्रदर। तो अभी गया था मैं अपना कप धोने के लिए, और अब करना है हमको अपना बिस्तर को ठीक, उसके बाद में रूम में झाड़ू लगाना है, वो खत्म करके हम पढ़ाई करेंगे थोड़ी देर। पढ़ाई क्यों करेंगे, क्योंकि सबको करना पड़ता है मेरे भाई, अगर जॉब चाहिए तो पढ़ाई करना पड़ता है। तो अभी रेनी सीजन के टाइम में हमारा ये हाल हो रखा है पसीने की वजह से, और पसीना क्यों, क्योंकि हम अपना बेड अरेंज कर रहे थे और मेरा बेड पूरा टूट गया, जोड़ भी नहीं सकते इसको अभी, प्रॉब्ली ये जो इसका नट बोल्ट्स वगैरह है सब रस्ट लग चुका है, इसीलिए बेड तो पूरा वुडन है पर जो कब्जा वगैरह रहता है वो सब स्टील का रहता है, तो सब रस्ट के कारण सब खराब हो रखा है। और अभी तक करीब आधा घंटा हो चुका है मैंने ये बेड को असेंबल करने का कोशिश किया हुआ,
एज सून एज आई फिनिश असेंबलिंग द बेड और फिर बेड अरेंज करना शुरू, जैसे मैं वहां पे जाता हूँ बेड पूरा टूट जाता है। फिर होता है भाई मिडिल क्लास फैमिलियों में, ऐसा कॉमन सी बात है, क्या करें। अब लग रहा है कि इस बेड को पूरा निकाल के फेंक दूंगा मैं, और जो बेड रेंट वालों को यूज करने के लिए दिए थे पहले, जो घर खाली पड़ा है अपना जो फ्लैट, तो वहां से दूसरा वाला बेड लेके आ जाऊंगा मैं यहाँ पे और मेरे यहाँ पे रख दूंगा। और वो बेड रखने से एक फायदा मुझे क्या है कि वो बेड कंपैरेटिवली इससे छोटा है, ये बेड में आराम से दो जन आ जाएंगे, पर वो बेड सिंगल बेड है, वो इसको नहीं कह सकते कि डबल बेड है अच्छे से, पर हाँ दिस इज मोर और लेस अ डबल बेड, क्योंकि दो जन तो आराम से सो ही सकते हैं इसमें, पर उसमें दो जन सो सकते हैं, पर इट्स नॉट गोइंग टू बी एज कंफर्टेबल एज दिस वन। फिर क्या करें, हमको तो अकेले ही तो सोना है। ओ भाई मारो मुझे, थक गया यार। जब आप कुछ चीज को सही करना चाहते हो ना, फिर भी कभी कभार गलत हो ही जाता है। अभी बेड के चारों साइड में कील ठोकती है नील, चारों साइड में, एक दो तीन चार, चारों साइड में ठोकती है। टेम्पररी फिक्स है ये, बाद में जाके बेड ही चेंज करना पड़ेगा, वरना जो इसका हुक वगैरह है इसको सब चेंज करना पड़ेगा, एक पूरा अच्छा वाला कारपेंटर को बुला के करवाना पड़ेगा ये काम। पर अभी के लिए मिडिल क्लास फैमिली से तो करना पड़ेगा जुगाड़, तो वही किए हम लोग। तो चलो अभी बेड मिला लेते हैं। फाइनली 12 बज चुका है और हम अभी तक बेड ही अरेंज नहीं कर पाए, बहुत पहले कर चुके होते पर क्या करें, बेड ही गिर गया अपना पूरा। चलो कोई ना मेरे भाई, अभी के टाइम में कर लेते हैं। चलो भाई साहब, बेड बेड तो कर लिए अरेंज, अब मिल रहा है सुकून। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:05 और हमारा लंच टाइम होने को है अभी। आफ्टर लंच हमको हमारा रूटीन फॉलो करना है। हमारा रूटीन ये रहता है कि आफ्टर लंच जितना क्लिप्स हम शूट किए हैं उतना एडिट कर लेते हैं हम, हमारा डेली रूटीन ही यही चल रहा है अभी। आज डे 18 है हमारा डेली व्लॉग्स का। और भाई साहब कल ना मुझे वैसे ही इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं व्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा था, और फिर भी बना दिए हम, क्योंकि मुझे आप लोग से बात करना था कल, तो वैसे ही करके हमने व्लॉग बना दिया कल। और उसके बाद आफ्टर लंच आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड लिटरली इवनिंग के टाइम में 5-6 बजे। कल पहली बार एक महीना में मैंने वर्कआउट स्किप किया है कल एक दिन। आई नो इट्स अ वेरी बैड थिंग टू स्किप योर वर्कआउट, पर वो एनर्जी नहीं था मेरे पास, आई जस्ट फेल्ट सो टायर्ड, यू नो, tired of everything, tired of what was going around, जो न्यूज़ वगैरह हमको मिल रहे थे वो सब, और just you know I just felt physically and mentally drained, इसीलिए वर्कआउट भी स्किप कर दिया मैंने। पर व्लॉग जारी था भाई साहब, व्लॉग जारी था और व्लॉग जारी रहेगा। अभी हमारा लंच हो चुका है कम्प्लीट, हम खाए चिकन एंड रोटी एज यूजल, हम रोटी तो खाते हैं मोस्टली, कभी कभार राइस खा लेते हैं पर मोस्टली आई ईट रोटी। तो आज के ब्लॉग के लिए काफ़ी लंबा खिंच चुका है, तो आपसे वार्तालाप करेंगे कल, क्योंकि वैसे भी कल भी तो वार्तालाप करना ही पड़ेगा, अगर कल आपके साथ वार्तालाप नहीं करेंगे तो आप लोग बुरा मान जाओगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज ब्रदर द ब्लॉगर फ्रॉम द एसपीएम गुरुंग, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चीयर्स टू लाइफ। मिलते हैं कल, होपफुली जो मेरा ये मूड वगैरह चल रहा है 2-3 दिन से बिकॉज ऑफ दीज हॉरिबल न्यूज दैट हैव बीन गेटिंग, सब कुछ ठीक हो जाए और यू नो आई गेट टू स्टार्ट ऑफ माई व्लॉग्स पहले जैसा करता था। आई यूज टू बी अ चीयरफुल गाई, हैप्पी गाई, व्लॉग में भी वो सब दिखता था, क्योंकि आई यूज टू हैव अ वेरी चीयरफुल एनर्जी अराउंड इट, अराउंड मी, वो हैप्पी वाला वाइब रहता था वो पहले, अभी नहीं है कि बिकॉज लाइक सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग और क्या ही बताएं। मिलते हैं कल।